हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मोना छी कैसे बा? ठीक है बा, मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। एक सजेशन है, डॉक्टर ही बनना। अगर आपने बायोलॉजी चूज किया है, अगर आपने नीट एग्जाम देने का सोच लिया है, सो नीट एग्जाम क्रैक करना ही करना, या तो डॉक्टर बनना या तो इन फ्यूचर बिजनेस करना, बाकी कुछ और नहीं। सो स्टे फोकस्ड, बिलीव इन योरसेल्फ, और बात आगे ले चल रहा हूं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं राइबोसोम, द फर्स्ट मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बट उसके पहले कुछ बातें कर लेता हूं जो है क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, बात आगे बढ़ाता हूं। वेल, एक पॉइंट चल रहा है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ऑक्सीसोम की बात किया था। ऑक्सीसोम के तीन पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं बेस, दूसरे को मैंने नेम दिया था जो है नेक, नेक को जो है बेसिकली स्टॉक नाम देते हैं, और तीसरा है हेड। सो इस वाले डायग्राम में मैंने स्टॉक टर्म नहीं मेंशन किया था जो लेक्चर में नेक के लिए, तो ये स्टॉक इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता हूँ मैं। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट नीड योर अटेंशन। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कंपेयर किया था बैक्टीरिया के साथ, सो ये है यहां पर क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में यहां पर है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में है थैलाकॉइड्स, और थैलाकॉइड्स के ऊपर प्रेजेंट है पिगमेंट्स। इनसाइड द स्ट्रोमा देर इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, 70S राइबोसोम एंड आरएनए भी प्रेजेंट है। और दिस क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन प्रोटीन्स भी होता है। कुछ एक और डायग्राम यहां पर बना लेते हैं रिलेटेड टू बैक्टीरिया, और ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास भी पिगमेंट्स होते हैं, ये रहा साइटोप्लाज्म, और यहां पर है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए 70S राइबोसोम और आरएनए। तो देखिएगा, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया से कंपेयर करूं, तो क्या मैं बोलूं मच मोर कैरेक्टरिस्टिक या मच मोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट सिमिलर है बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के थ्रू। सो पोरिन का प्रेजेंस, नीड योर अटेंशन, डबल स्ट्रैंड डीएनए, वो भी सर्कुलर। नेक्स्ट मैंने बोला 70S राइबोसोम, और नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर mRNA, rRNA और tRNA, सेम बैक्टीरिया। वेल, यहां पर पिगमेंट्स भी मेंशन कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। यहां फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अगर मैं इसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर करूं, तो इसके पास भी पोरिंस प्रेजेंट होगा, इसके पास भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है रिच इन जी ट्रिपल बॉन्ड्स। इसके पास एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए प्रेजेंट होता है, और इसके पास भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो मैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं नियर फ्यूचर, ये जो जिस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को मैं क्लोरोप्लास्ट से कंपेयर कर रहा हूं, मैं इसको जो है ब्लू ग्रीन एल्गी नाम देना चाहूंगा, साइनोबैक्टीरिया, जो एडवांस फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया कंसीडर होते हैं। सो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि द मच मोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट रिजेंबलिंग टू द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने इस क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बात समझिएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर किया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात समझाना क्यों, समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर किया बैक्टीरिया के साथ जो है, तो मच मोर सिमिलरिटी की वजह से साइंटिस्ट के माइंड में आया, अरे क्या पता ये क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पुराने जमाने का फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकता है जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था। सो
क्लोरोप्लास्ट ये इन द बिगिनिंग ऑफ एवोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मैंने इसको बैक्टीरिया क्यों क्यों साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि क्लोरोप्लास्ट को बैक्टीरिया बोलना चाहिए। ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ जब जो है लाइफ सुटेबल हुआ तो क्लोरोप्लास्ट को क्यों माना जा सकता है कि ये इनिशियली एक फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, क्योंकि इसके पास मच मोर कंपोनेंट बैक्टीरिया के कंपोनेंट से सिमिलैरिटीज रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। बात समझ में आया? तो जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बैक्टीरिया से कंपेयर करके माइटोकॉन्ड्रिया को इनिशियली जो है हमने एरोबिक बैक्टीरिया कंसीडर किया, इन द सेम वे कैन आई से द क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात समझ में आ रहा? तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। यहां पर ध्यान यहां पर दीजिए, ई है, समझिएगा, ई क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये यहां पर मैं यूकैरियोटिक प्लांट सेल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बात समझिएगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है जिसको साइंटिस्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर कर रहे हैं, साइंटिस्ट इसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर कर रहे हैं इनिशियली ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और ये रहा यूकैरियोटिक प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल। कनेक्टिविटी समझिएगा प्लीज। जब जो है यूकैरियोटिक प्लांट सेल आया था इनिशियली, जब जो है ड्यूरिंग एवोल्यूशन टाइम यूकैरियोटिक प्लांट सेल आया था, तो प्लांट सेल इनिशियली जो है उसके पास कोई फूड सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर नहीं था। मैं सिर्फ समझाने पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, माइट बी ये जो है जूलॉजी के एवोल्यूशन चैप्टर में जो है आपको ये स्टोरी कुछ ऐसा मिलता जुलता स्टोरी मिल सके। सो बिगिनिंग में जो है प्लांट सेल के पास कोई फोटोसिंथेसिस फूड सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर नहीं था। प्लांट सेल को इन द सेम स्टोरी जैसे जो है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के रिफरेंस में बात किया था, प्लांट सेल को किसी ने बताया कि अर्थ पे जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अर्थ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहां वहां जहां तहां कहां कहां स्ट्रगल करता है, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाए दैट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, तो वो उसको जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज बना लेता है। आपके पास जो है फोटोसिंथेसिस या फूड सिंथेसाइज करने वाला कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, तो क्यों ना आप इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को ऑफर करिए, यूकैरियोटिक प्लांट सेल ने बोला। सजेशन तो ठीक है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल ने इस फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको अभी फिलहाल आज के जमाने में क्लोरोप्लास्ट बुलाया जा रहा है, वेल मैं इस क्लोरोप्लास्ट को पुराने जमाने का फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसीडर कर रहा हूं, इस क्लोरोप्लास्ट को मैं पुराने जमाने का फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी से कंपेयर कर रहा हूं, तो यूकैरियोटिक प्लांट सेल ने कॉल किया फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को और बोला, भाई साहब मैंने सुना है आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो आप उसको जो है कन्वर्ट कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फूड बना लेते हो। तो इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने यूकैरियोटिक प्लांट सेल को बोला, आपको इंफॉर्मेशन एकदम सही दिया गया है। यूकैरियोटिक प्लांट सेल ने बोला, इस फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, मेरे पास मेरे साइटोप्लाज्म में भर भर के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, मेरे पास मेरे साइटोप्लाज्म में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए यहां वहां जहां तहां स्ट्रगल करते हो, कभी मिला कभी नहीं मिला, मेरे साइटोप्लाज्म में मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही रहेगा, क्यों ना आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्यों ना आप मेरे साथ एसोसिएट हो जाइए। दिस फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने 0 सेकंड का टाइम लेकर सोचा कि डील तो अच्छी है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक बार इंटर कर गया जब इनसाइड द यूकैरियोटिक प्लांट सेल, तो ये एवोल्यूशन के समय इसके साथ परमानेंट हो गया, बाहर निकला ही नहीं। ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था इनिशियली, वंस यूकैरियोटिक प्लांट सेल के साथ असेंबल हो गया, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर वंस इंटर किया, बाद में निकला ही नहीं, और फोटोसिंथेटिक जो है बैक्टीरिया यूकैरियोटिक प्लांट सेल का परमानेंट कंपोनेंट और परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया।
प्लांट सेल इस फ्री लिविंग यू का प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूकैरियोटिक को फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सप्लाई कर रहा था, दोनों का फायदा हो रहा है और दिस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो इनिशियली फ्री लिविंग था नाउ बिकम परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द जब जो है शिम्पर ने इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, इस स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, तो उनको नहीं पता था अरे ये तो पुराने जमाने वाला एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी द क्लोरोप्लास्ट इट रिप्रेजेंट एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया, द क्लोरोप्लास्ट इट रिप्रेजेंट एंडोसिम्बायोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, द क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट एंडोसिम्बायोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड द यूकैरियोटिक प्लांट सेल सिम्बायोटिकली, वेयर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑन द नेम ऑफ क्लोरोप्लास्ट गिविंग फूड टू द प्लांट सेल, इन टर्न प्लांट इट इज प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू द क्लोरोप्लास्ट विच इज नथिंग बट द फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया एज रॉ मटेरियल। बताइए प्लीज, मेंशन कर लिया जाए थोड़ा सा। सो मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्लोरोप्लास्ट, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट सिंबायोटिक प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड यूकैरियोटिक प्लांट सेल सिंबायोटिकली जहां पर प्लांट सेल इस जो है प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, प्लांट सेल उसको रॉ मटेरियल ऑन द नेम ऑफ CO2 और वाटर सप्लाई कर रहा है, और ये जिसको हम अभी फिलहाल बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट विच इज नथिंग बट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्लांट को ग्लूकोज प्रोवाइड करके दे रहा है एंडोसिम। क्यों साइंटिस्ट का दिमाग गया, फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, साइंटिस्ट का दिमाग सोचने पर मजबूर क्यों हुआ कि हमें क्लोरोप्लास्ट को बोलना चाहिए बैक्टीरिया, हमें क्लोरोप्लास्ट को बैक्टीरिया से कंपेयर करना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्यों कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो है बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास भी पिगमेंट पोरिन 70S राइबोसोम DNA वगैरह होता है, सेम कंडीशन तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी तो है। बताओ ठीक है। सो एंडोसिम्बायोटिक थियरी के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट ये रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड। सो कैन आई से क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा समझिएगा, इट इज सेल विद इन सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, सेल विद इन सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। क्या मैं क्लोरोप्लास्ट को बोलूं इट इज प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सेल प्रेजेंट इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। बोलो थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। सो हम प्रोकैरियोटिक दिस क्लोरोप्लास्ट को नाम दे सकते हैं सेल विद इन सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल या प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सेल बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। बात थोड़ा आगे ले चलता हूं, समझ के रखिएगा ठीक है। क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट एक मेंशन कर लेते हैं। सिमिलर टू द लैंग्वेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट्स सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल नीड योर अटेंशन। वैसे तो एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये कंट्रोल्ड होता है न्यूक्लियस से, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
इट्स ओन, नीड योर अटेंशन, इट्स ओन सर्कुलर डीएनए, इट्स ओन सर्कुलर डीएनए कमा 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम एंड आरएनए, आरएनए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज कैपेबल ऑफ, क्लोरोप्लास्ट इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग, क्लोरोप्लास्ट इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ऑफ इट्स ओन एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, एंड अदर कंपाउंड्स फॉर रेस्ट ऑफ द कंपाउंड, फॉर रेस्ट ऑफ द कंपाउंड द क्लोरोप्लास्ट इट इज डिपेंड ऑन मेन यूकैरियोटिक सेल, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस डीएनए राइबोसोम एंड आरएनए कुछ बहुत कुछ अपने लिए खुद ही प्रिपेयर कर सकता है। इसको हमने सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोला, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, सेल विद इन सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इनसाइड यूकैरियोटिक सेल, ये सारे निकनेम दो सेल ऑर्गेनेल को जाएगा, ये सारे निकनेम दो सेल ऑर्गेनेल को जाएगा, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है प्लास्टिड, या हाईलाइट किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी नाम देते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, कॉमन नेम है किचन ऑफ द सेल, बताइए प्लीज, बताइए जल्दी बताइए। सो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ बातें थी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलता है क्लोरोप्लास्ट के लिए, और जो है क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, बात कंप्लीट किया। ले चल रहा हूं मैं टॉपिक को, आगे स्टार्ट कर रहा हूं राइबोसोम, रिमाइंड करिए जल्दी से, करिए माइंड में रिमाइंड और बताइए बात क्लियर है कि नहीं, बात आगे ले चल रहा हूं मैं। यूकैरियोटिक सेल की स्टोरी को आगे ले चलता हूं, नेक्स्ट मैंने जो है सेल ऑर्गेनेल लिया राइबोसोम, राइबोसोम समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, मेंटल स्टेबिलिटी रखिए, दिमाग यहां पर लगाइए प्लीज। मैंने क्या बोला, डिस्कवर्ड बाय राइबोसोम, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ब्राउन एंड रॉबिन्सन, साइंटिस्ट ब्राउन एंड रॉबिन्सन 1953 इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल एंड बाय साइंटिस्ट जॉर्ज पैलाडे, जॉर्ज पैलाडे इन 1955 इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल, समझते रहिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला, टर्म राइबोसोम, टर्म राइबोसोम गिवन बाय, गिवन बाय पैलाडे, साइंटिस्ट पैलाडे, पैलाडे ने टर्म राइबोसोम दिया पैलाडे के नाम पर, राइबोसोम इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैलाडे पार्टिकल, ठीक है। सो मैंने मेंशन किया राइबोसोम, राइबोसोम ऑल्सो कॉल्ड पैलाडे ग्रेन्यूल या पैलाडे पार्टिकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैलाडे पार्टिकल या पैलाडे ग्रेन्यूल, समझ के रखिएगा। सो 1955 में साइंटिस्ट जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम को एनिमल सेल में डिस्कवर किया, टर्म राइबोसोम इन्होंने दिया, इनके नाम पर हम राइबोसोम को पैलाडे ग्रेन्यूल या पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। राइबोसोम इट इज स्मॉल माइन्यूट डेंस ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, मेंशन करते हैं प्लीज। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट राइबोसोम इज डेंस ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, डेंस ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कॉमा मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन,
इट इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. समझिएगा राइबोसोम इट इज नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन. इट इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन. समझिएगा ठीक है. राइबोसोम रिप्रेजेंट्स, बात पकड़िएगा, राइबोसोम रिप्रेजेंट्स मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन सो ऑल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. बात पकड़ना, राइबोसोमल आरएनए. आरआरएनए का मतलब क्या हो गया? राइबोसोमल आरएनए मिक्स विथ, टैंगल्ड विथ, क्रॉस लिंक्ड विथ certain type of protein that results in formation of ribosome not surrounded by any covering. So ribosome, baat samajhna, ribosome it is made up of rRNA, ribosomal ribonucleic acid plus certain type of protein. इसलिए हमने ribosome को ribonucleoprotein structure नाम दिया, universal. राइबोसोम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है. राइबोसोम, अब तक जितने भी सेल ऑर्गेनेल की बातें हमने किया, ऑल द सेल ऑर्गेनेल, वो सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट ही थे. ये राइबोसोम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होगा. एक एक्सेप्शन बताइए जल्दी बताइए, एक एक्सेप्शन जहां पर राइबोसोम एब्सेंट होगा, वही अपना सबसे प्यारा एक्सेप्शन, मैच्योर आरबीसी. समझिएगा प्लीज. तो मैंने क्या बोला, राइबोसोम इट इज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल इट इज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी. बात समझा. सो राइबोसोम डिस्कवर्ड एज डेंस ग्रेन्यूल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड इट इज मेड अप ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए मिक्स्ड विद सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन. इसलिए हमने इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर भी नाम दिया. पैलाडे पार्टिकल साइंटिस्ट के नाम पर हो गया. यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. ले चलते हैं स्टोरी को आगे, ले चलते हैं, समझेंगे हम. बात आगे बढ़ा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं डायग्राम के थ्रू सब कुछ कनेक्ट करूंगा. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये राइबोसोम स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स. राइबोसोम स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट. एक राइबोसोम दो सब यूनिट का बना है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट. लार्ज सब यूनिट इट इज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, वेयर एज स्मॉल सब यूनिट इट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर. बात पकड़िएगा, इन जनरल जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं. कंसीडर किया मैंने, ये है प्रोटीन, लार्ज सब यूनिट का प्रोटीन और ये टैंगल है डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरएनए
इस पर आरआरएनए फाइबर के थ्रू, और ये है यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट का प्रोटीन, स्मॉल सब यूनिट, कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाया, स्मॉल सब यूनिट का प्रोटीन, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरएनए फाइबर से टैंगल है। तो इसको मैंने मेंशन किया डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ये है प्रोटीन और ये है आरआरएनए, ई है प्रोटीन और ई है RRNA, both subunit of the ribosome can be called as monomers, ठीक है? तो ये large monomer unit है और ये small monomer unit है, so I can also say it represent, large subunit represent large monomer unit and small subunit represent small monomer unit। बात पकड़िएगा आगे की पंच लाइन को, थोड़ा समझिएगा, इनिशियली लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, एक राइबोसोम दोनों यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, बट राइबोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर बाय ज्वाइनिंग लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट तब बनेगा जब उनका फंक्शन परफॉर्म करने का टाइम आएगा। इनिशियली बोथ सब यूनिट, इनिशियली बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दे आर फ्री। जब साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोल, 0.001 मोल से ज्यादा मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन जब इन द साइटोप्लाज्म आएगा तभी ये यूनाइट होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन बिलो 0.001 मोल में दोनों सब यूनिट सेपरेट रहेंगे। मेंशन करता हूं, प्लीज समझिएगा। सो मैंने क्या बोला, यहां पर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन मोर देन 0.001 मोल रिजल्ट्स इन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। Less concentration of magnesium ion results in separation of both subunit. ठीक है? In less concentration of magnesium ion less than 0.001 mole, both subunits are separated। बात पकड़िएगा, मैंने क्या बोला यहां पर, दैट कंसिडर किया ये लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम है, ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम है, और जब मैंने मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन को हाई किया तब लार्ज और स्मॉल सब यूनिट दे गेट अटैच्ड विथ ईच अदर, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन अगर 0.001 से लेस होगा, अगेन बोथ द सब यूनिट गेट सेपरेटेड। सो यह है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यह है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और यह है राइबोसोम। क्या मैं बोलूं राइबोसोम एक डाइमर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, राइबोसोम इट रिप्रेजेंट्स अ डाइमर स्ट्रक्चर जो कि बना है दो मोनोमर स्ट्रक्चर से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ये हुआ एक राइबोसोम, ठीक है? इसमें मैं आरआरएनए के स्ट्रैंड्स भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सो ये यहां पर प्रोटीन हो गया लार्ज सब यूनिट का, आरआरएनए हो गया लार्ज सब यूनिट का, ये हो गया प्रोटीन लार्ज स्मॉल सब यूनिट का, और मिक्स है आरआरएनए के साथ। बात बताइए, पूछो तो सही, नहीं मत पूछो, हम खुद ही बता देते हैं। कब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोल से ज्यादा किया जाएगा, कब कम रहेगा,
जब जो है राइबोसोम के फंक्शन का टाइम आएगा। राइबोसोम के फंक्शन का टाइम क्या है, राइबोसोम का वैसे फंक्शन क्या है, ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करना। सो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन रेस्ड बियॉन्ड 0.001 मोल इन द साइटोप्लाज्म दैट रिजल्ट्स इन ज्वाइनिंग ऑफ द ऑफ बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम व्हेन देयर इज नो ट्रांसलेशन, व्हेन देयर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम डिक्रीजेस बिलो द 0.001 मोल दैट रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ बोथ सब यूनिट। मेंशन करते हुए थोड़ी बहुत और बातें और करते हैं, समझेंगे अच्छे से राइबोसोम को। सो मैंने क्या बोला, बात पकड़िएगा, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन रेस्ड बियॉन्ड 0.001 मोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तब जाके दोनों सब यूनिट लार्ज और स्मॉल सब यूनिट आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो सेंट्रली एक टनल का फॉर्मेशन होता है। दैट टनल से पास होता है मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को हैंडओवर किया। मैसेंजर आरएनए भागा राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए को अटैच होंगे और राइबोसोम को दोनों सब यूनिट कंबाइन करेंगे। उस समय जब मैसेंजर आरएनए जो है डीएनए का मैसेज लेके अपना ट्रांसलेशन करवाने जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे राइबोसोम, तब साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन इंक्रीज होगा। हम बताएंगे, वेट करिएगा, थोड़ा सुनिएगा समझिएगा, ध्यान दीजिए। यहीं पर ध्यान देना है। ई है एक सेल, प्लीज समझिएगा, मैंने क्या बोला, ये एक सेल है। सेल में ये यहां पर मैंने कंसीडर किया न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये यहां पर है डीएनए। आई नीड फुल अटेंशन, समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। न्यूक्लियस में यहां पर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज एक्चुअली द साइट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस, समझिएगा। सो ये है न्यूक्लियोलस, बात पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। न्यूक्लियोलस इट इज रिच इन आर आर एन ए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस का जब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा तब पर भी बताऊंगा। न्यूक्लियोलस इट इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस, राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस। बात समझिएगा। सो ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस क्या है, बात हमें बताऊंगा। यहां पर मैंने न्यूक्लियर पोर बना दिया। सो न्यूक्लियोलस इट इज रिच इन आरआरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोलस के पास होता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन वो बाहर से आता है, प्रोटीन जो भी जरूरत है वो जो है सिंथेसाइज करके न्यूक्लियोलस के पास आएगा। प्रोटीन आता है और राइबोसोमल आरएनए होता है इस जो है न्यूक्लियोलस ने। इस न्यूक्लियोलस ने कुछ प्रोटीन और कुछ आरआरएनए को मिला के बना दिया लार्ज सब यूनिट, और कुछ प्रोटीन और कुछ आरआरएनए को मिला के बना दिया स्मॉल सब यूनिट। बात पकड़िएगा, न्यूक्लियोलस ने कुछ प्रोटीन और कुछ जो है आरआरएनए को मिक्स करके बना दिया लार्ज यूनिट, और कुछ प्रोटीन और कुछ जो है आरआरएनए को मिक्स करके बना दिया स्मॉल यूनिट। अब ये दोनों लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम बनाया किसने, न्यूक्लियोलस ने। थ्रू द न्यूक्लियर पोर दे विल कम इन द साइटोप्लाज्म, यहां वहां जहां तहां कहां कहां, इनिशियली जो है ये अलग अलग रहेंगे, बात समझना। सो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूक्लियोलस रिलीज्ड आउट ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। फिलहाल इनिशियली सेपरेटेड फॉर्म में राइबोसोम के दोनों स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जो है इन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। डीएनए के पास प्रोटीन एंजाइम हार्मोन बनाने का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के फॉर्मेशन का टाइम आया,
किसी पर्टिकुलर एंजाइम को बनाने का समय आया, किसी पर्टिकुलर हार्मोन को बनाने का समय आया, तो डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व न होके डीएनए अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए को दे देगा। डीएनए अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए को दे दिया और ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू आया इन द साइटोप्लाज्म। मैसेंजर आरएनए डीएनए ने पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन या हार्मोन का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था मैसेंजर आरएनए को हैंडओवर किया और कोड लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज क्या होता है ट्वेल्थ में अच्छे से समझेंगे। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड लैंग्वेज में था, वो कोड लैंग्वेज मैसेंजर आरएनए को दिया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू और डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को बोला जाइए साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम वो जो है आपके कोड लैंग्वेज को एक्चुअल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। सो ये डीएनए का मैसेज लेके मैसेंजर आरएनए आया इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो डीएनए ने बनाया मैसेंजर आरएनए, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनाया। नाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द कोड फॉर्म विथ द मैसेंजर आरएनए वो आ गया इन द साइटोप्लाज्म और जैसे ही मैसेंजर आरएनए इन द साइटोप्लाज्म आया अब मैग्नीशियम आयन, समझिएगा प्लीज, समझिए समझिए तो सही, अब मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाएगा 0.001 मोल से ज्यादा। उस समय लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ज्वाइन करेंगे, उस समय लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ज्वाइन करेंगे और बन जाएगा एक राइबोसोम डाइमर, बन जाएगा एक राइबोसोम डाइमर, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। और ये राइबोसोम परफॉर्म्स, राइबोसोम परफॉर्म्स ट्रांसलेशन of messenger RNA to produce protein या जो एंजाइम का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है एक्सेट्रा, समझा। सो राइबोसोमल फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस। वेरी सून मैं फंक्शन में कंप्लीट कर दूंगा, राइबोसोम इट इज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन और राइबोसोम का फैक्ट्री खुद कौन है, न्यूक्लियोलस। कैसे बना, बात पकड़ में आया कहां से और कब जो है, समझा। इनिशियली अलग थे, ट्रांसलेशन के लिए जब मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आएगा, बताओ क्लियर है ना। कैसे बना राइबोसोम, किसने बनाया, कैसे डाइमर और कैसे मोनोमर के फॉर्म में, कब क्या हुआ, मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। आगे भी अगर कनेक्ट होगा तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाऊंगा। बात थोड़ा थोड़ा सा आगे ले चल रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा आगे ले चल रहा हूं, बात समझिएगा। राइबोसोम इट इज ऑफ टू टाइप्स, राइबोसोम इट इज ऑफ टू टाइप्स, ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड किया है, कैसे आया वो भी बताएंगे। दो टाइप का है, एक है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम और दूसरा है 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, बात समझिएगा। 70S राइबोसोम इट इज मेन राइबोसोम, मेन राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज मेन राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, also found in few cell organelles, also found in few cell organelles of eukaryotic cell, for example, नाम तो सुना होगा आपने, mitochondria and plastids, बात पकड़िएगा प्लीज, ठीक है। ये जो 70S राइबोसोम है इट इज फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज अटैच्ड विथ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मेंशन करता हूं 70S राइबोसोम, बात समझिएगा। 70S राइबोसोम फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स, कॉमा साइटोप्लाज्म ऑफ
साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो मेन राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल का, और कहां कहां पर मिलेगा हमने बता दिया, फिर एग्जैक्ट लोकेशन कहां है वो मैंने बता दिया, आगे थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। ये एटीएस राइबोसोम, इट इज मेन राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, कैन आई से एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इट इज फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड ओवर RER एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पकड़ना 70S एंड 80S दो टाइप के राइबोसोम, कहां पर क्या कंडीशन है, एग्जैक्टली कहां प्रेजेंट होंगे मैंने मेंशन किया, बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूं, समझेंगे अच्छे से, समझना प्लीज। सो मैंने बनाया, ई है पेप्टिडोग्लाइकॉन का सेल वॉल, ई है सेल मेम्ब्रेन का मीजोजोम, देन ये मैंने बना दिया सेल मेम्ब्रेन का क्रोमेटोफोर, और ये पूरा सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर मैंने बना दिया साइटोप्लाज्म। जब मैंने पेप्टिडोग्लाइकॉन का सेल वॉल बनाया तो कंसीडर हो ही गया, आपको समझ में आ गया ये प्रोकैरियोटिक सेल है। 70S राइबोसोम इधर अटैच्ड विथ द सेल मेम्ब्रेन, 70S राइबोसोम इधर अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बात पकड़िएगा। सो ई है बैक्टीरिया का सेल, ई है प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है या जो है साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है 70S राइबोसोम। बताइए प्लीज, ये है साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट या अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन? ठीक है, अच्छा तो देखिएगा, प्लांट सेल के लैंग्वेज में अगर मैं डायग्राम समझा दूं तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे, एनिमल सेल में तो प्लास्टिड होता नहीं। तो ये है प्लांट सेल का आउटर कवरिंग सेल वॉल, के नीचे है सेल मेम्ब्रेन, के अंदर है साइटोप्लाज्म, बात समझिएगा। नाउ ये यहां पर है न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का आउटफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहीं यहां पर मैं कंसिडर कर ले रहा हूं है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहीं यहां पर कंसिडर कर ले रहा हूं है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पर अटैच्ड है राइबोसोम, पकड़िएगा कहां पर अटैच्ड है राइबोसोम, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर अटैच्ड है राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है राइबोसोम या इन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है राइबोसोम। अभी तक जो मैंने राइबोसोम बनाया, बताइए वो राइबोसोम कौन कौन से राइबोसोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सो लेट इट बी दिस वाला राइबोसोम, लेट इट बी फ्रीली प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में RER के मेम्ब्रेन में या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, ई है 80S राइबोसोम, यूकैरियोट का मेन राइबोसोम। और मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना दिया राइबोसोम, मैंने प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के अंदर बना दिया राइबोसोम, तो बताइए ये कौन से राइबोसोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज आर रिप्रेजेंटिंग 70S राइबोसोम। ऑर्गनेल राइबोसोम भी नाम देते हैं मैं, यह है ऑर्गनेल्स राइबोसोम, समझिएगा अच्छे से समझिएगा। तो ई है माइटोकॉन्ड्रिया और ई का है प्लास्टिड,
ई है प्लास्टिड, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया यहाँ पर आर ई आर, और ये यहाँ पर हो गया साइटोप्लाज्म। सेवेंटियस राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के लिए मेन राइबोसोम है, यूकैरियोटिक सेल के लिए ऑर्गेनेल्स का राइबोसोम है, यूकैरियोटिक सेल के लिए मेन राइबोसोम है एटीएस, यूकैरियोटिक सेल के लिए और ये एटीएस राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। बताओ तो सही, कुछ तो बताओ, थोड़ा कुछ तो बताओ, कुछ तो बोल दो, बोल भी दो, बोल दो ना जरा। समझा कि नहीं आपको? ठीक है, सो ये मैंने जो है टाइप ऑफ राइबोसोम और कहां पर कौन सा मेन राइबोसोम, कहां पर कौन सा लोकेशन है, सब कुछ मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। बात आगे ले चल रहा हूं, बात समझते रहिएगा, थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं मैं, समझेंगे अच्छे से समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बहुत बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही मेमोराइज करने वाला पॉइंट में मेंशन करने वाला हूं, ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है दो टाइप का होता है। कौन सी नई बात बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बता दिया 70S टाइप राइबोसोम और 80S टाइप राइबोसोम। राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं ना, मैं बता चुका हूं, तो 70S राइबोसोम भी दो सब यूनिट्स का बना होगा, 80S राइबोसोम भी दो सब यूनिट्स का बना होगा। मेंशन करते हैं 70S राइबोसोम में दो सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट और है स्मॉल सब यूनिट। 80S राइबोसोम में भी दो सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट, दो सब यूनिट है, बात समझना। लार्ज सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम को हम 50S नाम रखते हैं, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को हम 30S नाम रखते हैं। काइंडली डू नॉट अप्लाई मैथमेटिक्स, क्यों ऐसा नाम रख रहे हैं मैं थोड़ी देर में जो है डिस्क्लोज करूंगा। 80S राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट को 60S नाम देते हैं, स्मॉल सब यूनिट को 40S नाम देते हैं। काइंडली डू नॉट अप्लाई मैथमेटिक्स, बात समझेंगे, बात बहुत अच्छे से समझेंगे। सो ई है 70S राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट, ई है 70S राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट, ई है 80S राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट, ई है 80S राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट। मैंने बनाया प्रोटीन और प्रोटीन के साथ जो है आरआरएनए स्ट्रैंड असेंबल है, आरआरएनए स्ट्रैंड मिक्स है। ठीक है, बात समझिएगा, बात पकड़िएगा, ये है 50S, ये है 30S, ये है 60S, ये है 40S। 50S में बात समझना, 50S लार्ज सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम में 34 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, 34 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और यहां पर स्मॉल सब यूनिट में 21 टाइप्स के प्रोटीन्स मिक्स होते हैं आरआरएनए के साथ। यहां पर होगा 40 टाइप के प्रोटीन्स इन द 60S पार्ट ऑफ 80S राइबोसोम, और ये यहां पर 33 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल सब यूनिट में, समझते रहिएगा। लार्ज सब यूनिट ऑफ स्मॉल एस ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम जिसको 50S नाम दिया, इसमें 34 टाइप के प्रोटीन्स मिक्स होते हैं दो टाइप के आरआरएनए के साथ, एक है 23S आरआरएनए और दूसरा है 5S आरआरएनए। ठीक है, और केवल एक ही टाइप का आरआरएनए प्रेजेंट होता है 30S स्मॉल सब यूनिट, वो है 16S RRNA। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा, ये आपको यहां पर काम आएगा, ये आपको यहां पर काम आएगा। और वहां पर जब मैं जो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत ही जो है खतरनाक जो है प्यारा सा चैप्टर आएगा 12th में, जहां पर हम कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, कैसे आरएनए से प्रोटीन बनता है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये सारी बातें जो है जब हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ना, वहां पर भी ये सारी स्टोरी आपको बहुत यूजफुल लगेगा। ठीक है, सो यहां पर लार्ज सब यूनिट 60S में तीन टाइप के जो है आरआरएनए होते हैं, एक 28S
आर आर एन ए, एक होता है 5.8 एस आर आर एन ए और एक होता है 5 एस आर आर एन ए। और यहां पर एक ही टाइप का आर आर एन ए होगा, वो भी 18 एस आर आर एन ए। सो 23 एस आर आर एन ए का स्ट्रैंड, 5 एस आर आर एन ए का स्ट्रैंड मिक्स रहेगा 34 प्रोटीन्स के साथ, बनाएगा 50 एस, लार्ज सब यूनिट ऑफ 70 एस राइबोसोम। 16 एस आर आर एन ए का स्ट्रैंड मिक्स होगा 21 प्रोटीन्स के साथ, बनाएगा 30 एस, स्मॉल सब यूनिट ऑफ 70 एस राइबोसोम। सेम स्टोरी यहां पर जाएगा, ये डेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा। बात आगे ले चल रहा हूं, बात समझिएगा, बड़ा खतरनाक, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम में 60% जो है आरएनए होता है और 40% जो है प्रोटीन होता है। पूरे राइबोसोम स्ट्रक्चर में 60% आरआरएनए होगा और जो है 40% प्रोटीन होगा। 80S में जस्ट अपोजिट होगा, यहां पर 40% में जो है आरआरएनए या आरएनए होगा और 60% में जो है प्रोटीन होगा। बात पकड़िएगा, जब पेपर में क्वेश्चन आए बहुत फंसाते हैं एग्जामिनर, आप जैसे भोले भाले बच्चों को तो बहुत फंसाते हैं। एग्जामिनर का काम ही है आप जैसे बच्चों को परेशान करना। वो या तो पूछेंगे रेशियो ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन, आपने रट लिया है 70 एस राइबोसोम में, 70 के बाद 60 आरआरएनए होगा और 40 प्रोटीन होगा, वो घुमा देगा, वो प्रोटीन और आरआरएनए पूछ लेगा। आरआरएनए इज टू प्रोटीन या प्रोटीन इज टू आरएनए, कोई भी परसेंटेज कोई भी रेशियो पूछ सकता है। बात समझा, ये पूरा डिटेल हुआ थोड़ा। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ये सब क्या बोल डाला मैंने, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, राइबोसोम के दो टाइप, कौन सा राइबोसोम कहां में प्रेजेंट होता है, कौन सा राइबोसोम मेन राइबोसोम है किसके रेफरेंस में, कौन सा राइबोसोम में लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। काइंडली डू नॉट अप्लाई मैथमेटिक्स, क्यों बोल रहा हूं, नेक्स्ट मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूं। नजर, थोड़ा ध्यान, थोड़ा कान, थोड़ा दिमाग, सब थोड़ा थोड़ा सब नहीं सब कुछ सब यहीं पर ला के रखिएगा। बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, आइए थोड़ा सब कुछ, नजर, ध्यान, दिमाग, कान, आंख, जितनी भी चीजें जो है लेक्चर समझने सुनने के लिए चाहिए सब यहां पर लाइए। मैंने क्या बोला, एस रिप्रेजेंट्स स्वेडबर्ग यूनिट, साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया, एस रिप्रेजेंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एस रिप्रेजेंट सेडिमेंटेशन यूनिट। और यहां पर एस इट दिस सेडिमेंटेशन या स्वेडबर्ग यूनिट, या ऐसा ले सकते हैं स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। समझिएगा प्लीज मैं क्या लाइन फेंक रहा हूं, क्या पंच मार रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट्स इंडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। इट रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम्स, डेंसिटी एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स, या राइबोसोम के लैंग्वेज में राइबोसोम्स। अब मैं जो बोल रहा हूँ समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये जो 70S, 80S, 50S, 30S, 60S, 40S, ये सब कुछ जो मैथमेटिकल डेटा दिया गया है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, वाह क्या बोल डाला मैंने, क्या खतरनाक जो है मैंने टर्म फेंका आपके सामने, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ राइबोसोम परफॉर्म किया साइंटिस्ट ने, उसके बेसिस पर जो है टाइप ऑफ राइबोसोम। पकड़िएगा मैं क्या समझा रहा हूं, समझिएगा प्लीज। साइंटिस्ट स्वेडबर्ग
साइंटिस्ट स्वेडबर्ग परफॉर्म्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ राइबोसोम्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर हम मिक्सर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वी सेपरेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मिक्सर बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड साइज नीड योर अटेंशन प्लीज सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन process through which individual components are separated from given mixture based on density and size density में साथ mass और volume दोनों हम include कर लेते हैं ठीक है तो समझिएगा please यहां पर एक test tube लिया इस test tube को ultra centrifugation tube बोला क्या बोला गया ultra centrifugation tube so मैंने लिया ultra centrifugation अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब लिया और इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में स्वेडबर्ग साइंटिस्ट को जो है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स हर जगह से जो राइबोसोम मिला उस राइबोसोम का यहां पर उन्होंने मिक्सर ले लिया राइबोसोम का मिक्सर भर दिया इनसाइड द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब ठीक है अब उन्होंने किया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बात पकड़ना प्लीज समझाने पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके माइंड में जो है इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं क्यों अलग अलग नाम कौन से बेसिस पर जो है नेमिंग ऑफ राइबोसोम किया गया है मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर जो है मेजरमेंट है 10, 20, 30, 40, ...... 100 ऐसा मार्किंग है ठीक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में ये मार्किंग होगा जो है 10 ml, 20 ml ऐसे बेस से ऊपर जाएंगे तो जो है पॉइंट समझा अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लिया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को रखा और ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जब मैंने स्विच ऑन किया तो रोटेशन पर मिनट हाई स्पीड पर रोटेट हुआ मशीन में वो चैंबर रोटेट हुआ जिस चैंबर में मैंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब रखा था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब आरपीएम रोटेशन पर मिनट पर रोटेट हुआ तो उसमें जो है जो मिक्सर ऑफ राइबोसोम था वो भी जो है रोटेट होगा हाई स्पीड पर फॉर फ्यू मिनट मैंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में वो चैंबर जिसमें मैंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब जिसमें मैंने मिक्सर ऑफ राइबोसोम लिया उसको रोटेशन पर मिनट आरपीएम हाई स्पीड पर रोटेट किया ठीक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन रोटेशन एट हाई स्पीड बात समझना एट हाई स्पीड रोटेशन पर मिनट ठीक है आरपीएम तो इस टेस्ट ट्यूब को बाद में मैंने सेटलमेंट के लिए बाहर छोड़ दिया सेंट्रीफ्यूगेशन किया सेंट्रीफ्यूगेशन में आरपीएम पर मशीन रोटेट हुआ चैंबर रोटेट हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब रोटेट हुआ जो इसमें मिक्सर ऑफ राइबोसोम था वो भी रोटेट हुआ फिर मैंने टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाला स्टेज पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो है जहां पर बैठे थे स्टेज पर मैंने टेस्ट ट्यूब को सेटल होने के लिए सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अपने साइज और डेंसिटी के बेसिस पर कुछ राइबोसोम सेटल्ड मिले 80 मार्किंग पर और कुछ राइबोसोम सेटल्ड मिले 70 मार्किंग पर तो जो सेटल्ड मिले 70 मार्किंग पर उनको 70S और जो सेटल्ड मिले 80 मार्किंग पर उनको 80S सेडिमेंटेशन यूनिट सेटलमेंट यूनिट स्पीड में मैंने रोटेट कराया उसके बाद सेटल होने के लिए टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया अपने साइज और डेंसिटी
अच्छा इससे क्या पता चल रहा है क्या साइज होगा क्या डेंसिटी होगा? नहीं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम ऐसा लग रहा है कि ये 80S राइबोसोम से हल्का फुल्का होगा, बट जिसका डेंसिटी और जिसका साइज बड़ा है वही तो नीचे सेटल होगा, जिसका डेंसिटी और जिसका साइज छोटा है वो ऊपर। तो इट इज इट मेजर्स द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम। जो जो राइबोसोम सेटल्ड हुए 80 मार्किंग ऑफ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब आफ्टर अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन उन राइबोसोम को 80S, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्यों ऐसा नाम दिया? बात पकड़ा? मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन को मैंने मेंटेन किया था, तो जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट थे वो अटैच्ड थे, ठीक है। तो यहां पर मैं एज अ होल राइबोसोम को डाइमर के लैंग्वेज में बोल रहा हूं। बात समझा? बात समझा। अब मैंने 80S राइबोसोम को अलग टेस्ट ट्यूब में लिया और 70S राइबोसोम को अलग टेस्ट ट्यूब में लिया, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। सो यहां पर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन भी मेंटेन किया है मैंने, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन हाई रखा है मैंने, यहां पर मैंने मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन लो किया। बात पकड़िएगा, पकड़ में आ रहा है ना? मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन मैंने लो किया तो 80S दो पार्ट का मिलकर बना है, दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे। 70S दो पार्ट का मिलकर बना है, दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे। जल्दी से बताए, फिर से मैंने किया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन को मैंने कम किया, ठीक है, और मैंने किया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बताइए बताइए जल्दी बताइए, कहानी को थोड़ा जो कनेक्ट करिए, क्या होगा? लार्ज और स्मॉल सब यूनिट 80S के, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट 70S के सेपरेट हो गए हैं ड्यू टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। जो दोनों सब यूनिट है बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, कुछ जो है मुझे मिले जो है सेटल्ड 60 मार्किंग पर, कुछ सेटल्ड मिले मुझे जो है 40 मार्किंग पर, कुछ सेटल्ड मिले मुझे 50 मार्किंग पर, कुछ सेटल्ड मिले मुझे 30 मार्किंग पर। सो यहां पर मुझे 60 मार्किंग, 40 मार्किंग, 50 मार्किंग और 30 मार्किंग अकॉर्डिंगली मैंने नाम दे दिया। ई है लार्ज सब यूनिट, ई है स्मॉल सब यूनिट, ई है लार्ज सब यूनिट, ई है स्मॉल सब यूनिट। समझ में आया कि नहीं कि मैं पहले क्या कुछ बोल रहा था, क्यों आपको बार बार डायलॉग बोल रहा था? वो डायलॉग आपको अब समझा कि नहीं? अब तो समझा होगा ना। काइंडली डू नॉट अप्लाई मैथमेटिक्स। मैथमेटिक में 50 प्लस 30 80S राइबोसोम बोलना चाहिए, 60 प्लस 40 100S राइबोसोम बोलना चाहिए। ना रे बाबा, ना ना ऐसा मत बोलो। बात समझ में आ रहा है? सेडिमेंटेशन बेस्ड ऑन साइज और डेंसिटी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में कौन से मार्किंग पर सेटल हो रहे हैं उसके बेसिस पर सेडिमेंटेशन यूनिट। बोलो जल्दी से, बोलो, बोल दो कुछ तो, बोल दो क्लियर हुआ क्यों ऐसा नाम दिया 70 40? सॉरी नाम, ठीक है। मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में, मैमेलियन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं कहीं पर मेंशन होता है इंस्टीड ऑफ 70S राइबोसोम, जो इन जर्नल जो है माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है, मैमेलियन सेल पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, मैमेलियन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है 55S राइबोसोम कहीं कहीं पर मैंने किसी किसी रेफरेंस बुक में देखा है, तो मैं बोल दे रहा हूं। वेल माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है वो 70S है, हम पहले से सुनते हैं तो हम वही चलेंगे। क्वेश्चन में 70S मैमेलियन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? चार ऑप्शन में 70S ऑप्शन नहीं है, तो हम 55S सर्च करेंगे। एक पॉइंट नोट करिएगा। सो ये था पूरी स्टोरी, बताओ, ठीक है। सो राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल क्या क्या है, बात मैंने क्लियर किया। खतरनाक दो पंच आपके सामने, बड़े प्यारे से पंच मारने वाला हूं राइबोसोम से रिलेटेड। राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनेल है। हेलो हेलो हेलो, राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है और राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल है जो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बताओ बताओ, ये लाइन को जस्टिफाई करो। राइबोसोम इट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, क्यों बोला मैंने? अरे राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो खुद में भी तो सेल ऑर्गेनेल है।
राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को हम इंजन ऑफ सेल नाम देते हैं, मेंशन करते हैं। स्टोरी समझा कि नहीं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का पूरा स्टोरी था, ये डेटा के बेसिस पर, ये मैथमेटिकल डेटा के बेसिस पर नाम रखने का, कौन से मार्किंग पर सेटल हो रहे हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड साइज। जब मैंने हाई स्पीड पर रोटेट करके सेटल होने के लिए राइबोसोम को छोड़ दिया तो कहां कौन से मार्किंग पर सेटल हुए? चले आगे, चले खत्म करें, इसको खत्म करें, जल्दी से खत्म करते हैं। राइबोसोम से रिलेटेड मैंने क्या क्या बोल डाला थोड़ा सुन लीजिए, मैं लिख भी दे रहा हूं। राइबोसोम, राइबोसोम इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। नियर फ्यूचर बहुत जल्द ही जब मैं न्यूक्लियस वाले हेडिंग पर पहुंचूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। वेल राइबोसोम इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, इट इज सेल ऑर्गेनेल, इट इज सेल ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, विद इन सेल ऑर्गेनेल। एज राइबोसोम, एज राइबोसोम फाउंड, एज राइबोसोम फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। कन्फ्यूजियाना मत, सेल विद इन सेल, सेल ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनेल दो चीजें हैं। सेल विद इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जाएगा, सेल ऑर्गेनेल विद इन सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम जाएगा। बात पकड़िएगा, राइबोसोम, राइबोसोम इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड इंजन ऑफ सेल, इंजन ऑफ सेल। क्योंकि सेल के काम करने के लिए जो भी इंजन ऑफ सेल, इंजन मेन चीज है जिसकी वजह से कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है, तो राइबोसोम ये जो प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन सिंथेसाइज कर रहा है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, उसी एंजाइम प्रोटीन और हार्मोन से तो पूरा जो है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता, पूरा लाइफ पॉइंट समझा, मेंशन करता हूं, लास्ट हेडिंग ले लेता हूं, जल्दी से खत्म करता हूं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम ले चलता हूं, फिनिश करता हूं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, फंक्शन में दो फंक्शन में मेंशन करूंगा, एक फंक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स परफॉर्म्स, राइबोसोम्स परफॉर्म्स प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, सुनिएगा, फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम्स या साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बोल सकते हैं, फ्री राइबोसोम या साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, राइबोसोम्स सिंथेसाइज, सिंथेसाइज proteins and enzymes for intracellular uses, intracellular use within cell, within cell utilization होता है, and attached ribosome, attached ribosome, attached ribosome basically with सेल मेम्ब्रेन, विथ सेल मेम्ब्रेन एंड आर ई आर सिंथेसाइज, सिंथेसाइज सिक्रेटरी प्रोटीन्स, सिक्रेटरी प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड सेल एक्स्ट्रा सेलुलर यूज, फॉर आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर यूज।
राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम कैसे ट्रांसलेशन करता है, राइबोसोम कैसे मैसेंजर आरएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आया है कोड लैंग्वेज में, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड लैंग्वेज क्या है, कैसे ट्रांसलेट करेगा मैसेंजर आरएनए को, कैसे प्रोटीन बनेगा। मैं 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में फेवरेट टॉपिक है मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छे से काफी अच्छे से बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। बात आगे ले चलता हूं, एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं समझिएगा प्लीज। प्रोटीन कॉल्ड चैपेरॉन, प्रोटीन कॉल्ड चैपेरॉन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम असिस्ट हायर लेवल ऑफ फोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। ठीक है, सो चैपेरॉन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो जब नया नया ताजा ताजा प्रोटीन बनता है तो इसको हम प्राइमरी प्रोटीन बोलते हैं। इस प्राइमरी प्रोटीन को फिर बाद में हम जो है सेकेंडरी प्रोटीन जो कि हेलिक्स के फॉर्म में रहेगा या जिगजैग के फॉर्म में रहेगा जो है सेकेंडरी प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ये सेकेंडरी प्रोटीन बाद में जो है फोल्ड हो जाता है थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन में, इसको हम टर्शरी प्रोटीन नाम देते हैं। और बहुत सारे जो है प्राइमरी प्रोटीन को न्यूली सिंथेसाइज्ड, ये प्राइमरी प्रोटीन न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है और ये सेकेंडरी और टर्शरी ये हाई लेवल फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन। सो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को चैपेरॉन प्रोटीन को सिंथेसाइज किया राइबोसोम ने और ये चैपेरॉन प्रोटीन बहुत सारे और प्रोटीन को हायर लेवल पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। इसको हम अल्फा हेलिक्स नाम देंगे, ये आपको बाद में समझेगा। ये जो है बीटा प्लीटेड सीट, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट ये सेकेंडरी लेवल का फोल्डिंग रिप्रेजेंट करता है और टर्शरी प्रोटीन ये थ्री डायमेंशनल जो है फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर फोल्डिंग करने में जो प्रोटीन इन्वॉल्व है वो चैपेरॉन प्रोटीन है, चैपेरॉन प्रोटीन को भी बनाता है राइबोसोम। कुछ तो बोलो, अब बोल तो दो यार, समझा, पक्का समझा। यहां पर हमने राइबोसोम कंप्लीट किया, कुछ एक दो पॉइंट मेरे मन में चल रहा है मेंशन करके आगे बढ़ जाता हूं मैं। एक पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है जो 70s राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसका जो डायमीटर होता है वो 15x20 नैनोमीटर होता है, मेंशन कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दैट इज 70s, साइज है इसका 15x20 नैनोमीटर। बताइए प्लीज, ये एक पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है। सो यहां पर मैंने राइबोसोम कंप्लीट किया, राइबोसोम से रिलेटेड और कोई पॉइंट फिलहाल माइंड में नहीं है, राइबोसोम एज अ होल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा साइटोस्केलेटन, जहां पर मैं माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बातें करूंगा, फिर सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोला हो जाएगा, उसके बाद जो है न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज बचेंगे। बताइए आज का लेक्चर कैसा रहा, पूरा राइबोसोम क्या स्टोरी है, क्यों नाम दिया, क्या कहानी है, समझा कि नहीं, फंक्शन वगैरह, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतनी ही बात रख रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की स्टोरी बताऊंगा। कोई भी छोटा मोटा खोटा लॉजिकल और रीजनेबल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ही लेना, क्योंकि आपको पता है डाउट पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।